तो चलिए जी करते हैं एक प्यारी सी वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है आशा फरसान और मैं हूँ उत्तराखंड चमोली के सोलडूंगरी गांव से। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से गांव में और आज की नई वीडियो में। तो नई वीडियो की शुरुआत भाई सुबह सुबह 7 बजे से हो रही है। तो भाई आज हम जा रहे हैं बुग्याल। तो बुग्याल जा रहे हैं हम, झाड़ू होते हैं जो रिंगाल के पलियाव बोलते हैं उनको, तो उनको लेने के लिए। तो काफ़ी दूर यहाँ से मतलब बुग्याल पड़ता है, तो लंच भी साथ में लेके जा रहे हैं। तो हम लोग अभी जा रहे हैं तो शाम को आएंगे, अभी धूप नहीं निकली तो हम लोग घर से निकल चुके हैं और शाम को हम लोग घर पहुंचेंगे। तो काफ़ी दूर होता है, मैं भी काफ़ी टाइम के बाद जा रही हूँ और मुझे तो याद भी नहीं मैं लास्ट कब गई थी, लेकिन आज मैं जा रही हूँ बुग्याल। और बाकी अभी सुबह सुबह की ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, काफ़ी सुहाना मौसम यहाँ पे अभी हो रखा है सुबह का। तो भाई हम गांव से इतने लोग जा रहे हैं, चाची जी, भाभी जी और रिया, तीन लोग हम यहाँ से हैं और बाकी आगे से भी कुछ लोग आ रहे हैं। और अभी ना धूप भी निकल आई है, तो देखते हैं आज बुग्याल का सफ़र कैसा रहता है हमारा। हम रास्ते गाँव से ऊपर की ओर, तो यहाँ से पूरी चढ़ाई चढ़ के जानी है हमने ऊपर तक, तो काफ़ी दूर यहाँ से पड़ता है। तो आफत भी ना बहुत बड़ी आती है, तो ये चाची जी लोगों के भरोसे आई हूँ मैं आज। चाची जी ने मेरे को बोल रखा है कि मैं ही तोड़ के दूंगी सारे पलियाव नीचे। तो खूब किसान ना इसलिए देखिए। तो अभी यहाँ ब्रह्मपुरी से ऊपर की ओर हम जा रहे हैं। तो ये इलाका है भाई पूरा ब्रह्मपुरी का, यहाँ से हमारा रास्ता है ऊपर जाने का। तो पूरा रास्ता पैदल पैदल हम लोगों को जाना है। तो भाई बाकी रोड से यहाँ पे हमारे साथ ये भाभी जी भी और एक भाभी जी पीछे से, मतलब तीन लोग और इकट्ठे हो चुके हैं। तो हम यहाँ पे टोटल 7 लोग हो चुके हैं अभी। तो अभी हम रोड से ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो चलिए जी हम यहाँ पे अभी डुंगरी को छोड़ के रिसान ग्राम सभा पे मैं आ चुके हैं। तो यहाँ से शुरू हो जाता है भाई रिसान ग्राम सभा, जो कि हमारे डुंगरी गांव की दूसरी ग्राम सभा है। लेट हुई। नमस्ते 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 नमस्ते। देखो भाई ये बच्चे जा रहे हैं स्कूल, तो ये गिन पानी के हैं। चढ़ाई चढ़ते चढ़ते ना थकान लग गई और अभी हम पहुंच चुके हैं घिनपानी में, जो कि हमारे गांव का ऊपर सबसे लास्ट लगभग लास्ट वाला हिस्सा है। ऐसे इससे ऊपर भी कुछ घर हैं। तो हम अभी घिनपानी पहुंचने तक हमें लग गया है पूरे 1.5 घंटे। तो यहां से अभी काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को जाना है और यहां पे थोड़ी देर के लिए हम लोग यहां पे पानी पी रहे हैं घिनपानी में, क्योंकि प्यास भी लग गई है। तो ये देखो यहाँ पर पानी का नल लगा हुआ है, तो यहाँ पे पी रहे पानी। पानी भी थोड़ा सा आ रहा, ज़्यादा नहीं आ रहा। यहाँ पे घिनपानी वालों के कुछ घर हैं और खेत हैं। तो यहाँ पे ना पूरा जंगल वाला इलाका है, देखने में काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी टॉप जगहों पे है हमारे गांव के। तो कुछ इस तरह का व्यू है यहाँ का, चारों ओर से पेड़ पौधे हैं और नीला गगन दिखाई दे रहा है और बीच में घर और खेत हैं। तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा यहाँ पे है और बाकी हमारे साथी जो हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं। थोड़ी देर बैठने के बाद हम यहाँ से अब घिनपानी से ऊपर की ओर जा रहे हैं। भैया अभी हम खुड़ा खेत बोलते हैं यहाँ को, तो यहाँ पे दो घर मतलब दो परिवार यहाँ पे रहते हैं। तो हमारे गांव का लास्ट वाला हिस्सा यही है, मतलब खुड़ा खेत में लास्ट दो परिवार बसते हैं। तो हमारे डुंगरी गांव से यहाँ आने तक करीब करीब 1.25 घंटा हमें यहाँ आने तक लगा, वो भी सीधे सीधे रास्ते में। तो इतना बड़ा गाँव है, मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से काफ़ी बड़ा है और यहाँ पर चाचा जी ने हल लगा रहे हैं। पल्याव ही जाने चल तो नहीं आने। तो एक घर यहाँ नीचे साइड को है, तो ये एक घर ये है भाई दूसरा वाला घर। तो ये दो परिवार यहाँ पे रहते हैं और यहाँ पे नीचे साइड को ताऊ जी बैठे हुए अपनी नातनी के साथ। तो भाई खड़ा खेत से ऊपर की ओर अभी हम जा रहे हैं, तो यहाँ से ना इसके बाद जंगल लग जाता है, जंगल वाला इलाका। तो हमारे लिए तो यहाँ बहुत दूर हो जाता है, पर जो लोग यहाँ बसे हैं इनके लिए तो नज़दीक है। इन लोगों का ये पास में जंगल है, तो ये यहाँ से बांज और लकड़ियाँ वगैरह काट के ले जाते हैं। तो ये रिया ना पहली बार बुग्याल आ रही है आज ना रिया। हाँ। तो कन के लगन थी बुग्याल में आ रही। तो रिया तो अभी थक गई, एक किरण है ये तो पहले साल, इससे पहले साल भी आई थी ना। तो ये बोल रही मेरे को तो बहुत अच्छा लगा यहाँ, इसलिए वो दोबारा भी आ गई। वैसे है बहुत अच्छा है बुग्याल,
हम तो पहले आए हुए थे लेकिन मैं भी काफ़ी टाइम के बाद आ रही हूँ। चलने में वैसे बहुत अच्छा भी लग रहा है लेकिन चढ़ाई चलते चलते ना थक जा रहे हैं तो इसलिए ये बच्चे परेशान हो गए। अरे यहाँ को ना भूख भी लग गई, खाना नहीं खाया आज, ये नाश्ता करके नहीं आई थी क्योंकि सुबह जल्दी खाने की आदत नहीं है तो साथ में रोटियां लेके गए हुए हैं हम। तो सबसे पहले जब ग्याल पहुंचेंगे ना तो रिया को रोटी खिला देंगे हम, नहीं तो कैसे तोड़ेगी ये पलियाओं को। तो यहाँ पे है भाई खड़खौत, खड़खौत बोलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे गौशाला है तो यहाँ पे भी किसी की बकरियां रहती, मतलब हमारे गांव वालों की बकरियां रहती हैं। तो यहाँ से अब अलग सी अनुभूति होती है ऊपर बुग्याल को जाने का क्योंकि यहाँ से कुछ नज़ारा चेंज हो जाता है। वही यहाँ खड़खौत में भी हम पानी पियेंगे क्योंकि इसके बाद यहाँ सीधे ऊपर बुग्याल पहुँचने के बाद पानी मिलता है। तो यहाँ पे पानी का धारा लगा हुआ है, नल पे पानी आया हुआ है। यह है बांस की जड़ों का शुद्ध पानी बोलते हैं इसको। तो भाभी जी ने यहाँ पे पानी पीना शुरू कर दिया। तो ये पानी इतना ज़्यादा ठंडा होता है ना, बिल्कुल बर्फीला पानी इसको बोलते हैं। अब विनायक देवता का मंदिर है तो यहाँ पे चढ़ाने के लिए लोग फूल और पत्ते, हरे पत्ते लेके जाते हैं। तो अभी यहाँ पे पहुँच चुके हैं हम और मैं लेके जा रही हूँ बुरांश का फूल। तो तरह तरह के फूल खिले हुए आप लोगों को यहाँ बुग्याल में मिलेंगे। तो ये है भाई विनायक देवता का मंदिर, जय हो। तो यहाँ पे ना विनायक देवता का मंदिर है तो इस तरह के मंदिर ना आप लोगों को जगह जगह जंगलों में अक्सर देखने को मिलते हैं। तो ये तो गांव वालों की मतलब श्रद्धा होती है, अपने हाथों से ये मतलब पत्थर मंदिर जैसा बना रखा होता है तो इन्हीं देवी देवताओं के भरोसे में, घरों से इतनी दूर जंगलों में, सुनसान जंगलों में आते हैं तो इन्हीं के भरोसे पे आते होंगे, यही करते होंगे रक्षा। हम तो कभी कभी आते हैं लेकिन लोग यहाँ पे अपनी बकरियाँ लेके चराने के लिए आते हैं और कुछ लोग जो यहाँ नज़दीक गाँव के हैं वो यहाँ पे मतलब बाँस के लिए आते हैं, बाँस तेलिंगा वगैरह काट के ले जाते हैं। तो बाकी खूबसूरत सा नज़ारा है यहाँ पे, तो काफ़ी सुनसान बिल्कुल आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिलेगा, बिल्कुल भी किसी चीज़ की जानवरों की आवाज़ सुनने को मिलेगी बाकी कुछ नहीं, और तरह तरह की चिड़िया की आवाज़, चहकने की आवाज़ यहाँ पे सुनने को मिलती है। बाकी सारे लोग आगे जा चुके हैं तो मैं पीछे से जा रही हूँ अभी। और बाकी यहाँ से ना नीचे को रास्ता है ये झलताल सुपताल जाने का, जहाँ लगता है जन्माष्टमी का मेला, तो काफ़ी खूबसूरत जगह वहाँ पे भी है, भेड़ बंगाली और उधर शणकोट, उधर गाँव के लिए भी रास्ता जाता है। तो हम इस साइड को जा रहे हैं, आगे से चाची जी है, बाकी लोग आगे जा चुके हैं। तो यहाँ पे जन्माष्टमी का मेला भी लगता है, पहले हम आते थे, अभी तो हमारे मानिल में मेला लगता है तो इसलिए हम यहाँ नहीं आते। तो यहाँ पे इन लोगों ने तोड़े भाई बुरांस के फूल, तो बुरांस के पेड़ पे काफ़ी सुंदर फूल खिले हुए हैं और यहाँ पे इन लोगों ने भी तोड़ी है एक एक फूल। तो विनायक देवता का मंदिर आता है यहाँ आगे, तो यहाँ पे फोटो शूट भी हो रही भाई, तो ऐसी खूबसूरत सी जगह पे फोटो शूट करना तो बनता है। तो यहाँ से देखो भाई सामने ये हमारे गांव का पूरा डूंगरी का इलाका लगता है, तो वहाँ से हम लोग इतना घूम के आए हुए तो यहाँ सामने पड़ता है हमारा गाँव। और यहाँ पे देखो भाई काफ़ी सारे ब्रांस के फूल भी खिले हुए हैं और यहाँ जंगलों में शायद आग लगी हुई थी तो इसलिए पूरे पेड़ जल भी रखे हैं। तो ये देखिए भाई कितना खूबसूरत सा नज़ारा यहाँ पे लग रहा है और यहाँ पे है जहाँ पे ये चाची लोग अभी गए हैं, विनायक देवता का मंदिर है, तो मैं भी अभी उसी तरफ को जा रही हूँ। तो यहाँ पे आके ना बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इतना खूबसूरत सा नज़ारा देखने के बाद मन को एक अजीब सी शांति और सुकून मिलता है। तो ये है भाई विनायक देवता का मंदिर, तो यहाँ पे भी ये लोग ले रहे हैं सेल्फी, यूँ सेल्फी ली ना आधा एप्पल ऑटो नहीं सोच के आई ना। अभी यहाँ विनायक देवता को भेंट लगाने के बाद ऊपर की ओर हम जा रहे हैं, तो यहाँ पे ना बड़े बड़े पेड़ गिरे हुए हैं, ये देखो पूरे गिरे हुए हैं और बहुत बड़े बड़े पेड़ आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे ना ये जो बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं ना, ये सारे खेरू और तेलिंगा बोलते हैं इसको उसके हैं, तो ये सारे गाय भैंस को खिलाने के काम आते हैं। तो सारे मेरे को इस जंगल में ना बड़े बड़े पेड़ दिखे, छोटे तो कोई भी नहीं दिख रहे हैं। और लगता है कुछ समय बाद अगर ये बड़े पेड़ सारे गिर जाएंगे तो उसके बाद तो ये प्रजाति ख़त्म ही हो जाएगी ऐसा लग रहा है, क्योंकि छोटे पेड़ एक भी नहीं दिख रहे, एक भी नहीं। और गिरे हुए काफ़ी पेड़ हैं, जो कि पुराने पेड़ गिरे हुए हैं बहुत ज़्यादा हैं। और तो इस साइड को भाई ये देखो पूरे सुराही और देवदार के पेड़ हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं।
ये देखो, तो इसको बोलते हैं मुक्कू झूला भी इसको बोलते हैं। तो ये भी पहाड़ों में इसको भी निकालते हैं भाई। तो ये बिकता है काफ़ी महंगा। देखो इस तरह का यहाँ पे रास्ता है और नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है। और यहाँ पे ना ये आगे देखो, यहाँ पे ये सरकारी विभाग वालों की लकड़ियाँ काटी जाती है। ये लकड़ियाँ जो मकान बनाने के लिए काम आती है वो वाली लकड़ियाँ हैं। तो यहाँ से कट के यहाँ से मतलब खच्चरों के द्वारा ये सारी जाती है रोड तक। तो ये देखो, तो यहाँ पे रास्तों में ना इस तरह के पेड़ गिरे हुए हैं, तो इस तरह से जाना पड़ता है। इतने बड़े बड़े पेड़ गिरे हुए हैं सारे। और बाकी हम जब से विनायक देवता के मंदिर से इस साइड को आए ना, तब से नेटवर्क बिल्कुल नहीं है इस जंगल में। मतलब नेटवर्क आते ही नहीं है फ़ोन में। जब तक हम वापस विनायक देवता के मंदिर तक पहुँचेंगे, वहाँ से गाँव दिखते हैं, तो उसी के बाद मतलब नेटवर्क आएंगे फ़ोन में। बाकी यहाँ पे भाई घूमने वाली जगह तो काफ़ी खूबसूरत है, जिसको घूमना है आ सकते हैं। लेकिन काफ़ी दिक्कत हो जाएगी क्योंकि गाड़ी की सुविधा बिल्कुल भी नहीं है। तो भाई सब लोग थक गए हैं यहाँ पे, अभी रेस्ट करने के लिए बैठ गए हैं। खाली बोतल है हमारे, खाली बोतल लेके आए हैं। पानी भी ख़त्म हो गया है, प्यास भी लग गई है। और अभी हमें पल्याव वाला जंगल नहीं मिला, मतलब जहाँ पर हमने झाड़ू तोड़ने हैं, पल्याव निंगाव काटना है। तो यहाँ पे जंगल बिल्कुल सुनसान हो रखा है और पक्षी पशु पक्षियों की आवाज़ें आ रही है, बाकी कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। हम ही इतने लोग हैं, बाकी हमें यहाँ जंगल में कोई नहीं दिखा, लेकिन पशु पक्षियों की आवाज़ें सुनाई दे रही। कभी कभी ये डर भी जा रहे हैं क्योंकि झाड़ियों के बीच में बड़े बड़े तित्तर वगैरह होते हैं, वो हमें देख कर डर रहे हैं और हम उनको देख के डर रहे हैं। तो इस तरह की यहाँ पर हो रखी है कंडीशन और लगे हुए हैं सारे। अभी भी जाने में पता नहीं कहाँ तक जाना है। मुझे लगता है ये लोग ना भूल गए हैं रास्ता, इनको भी पता नहीं था शायद, जैसे हमें नहीं पता कि कहाँ पे मतलब पल्याव मिलते हैं, डिंगाल मिलता है, वैसे इनको भी नहीं पता था। तो ये घूमते घामते मतलब भटक भटक के जा रहे हैं अभी, तो अभी तक नहीं मिले हमें पल्याव। हम यहाँ पे भाई रास्ता भटक गए हैं, ये दूसरी जगह आ गए हैं, फिर से यहाँ पे बैठ गए हैं और रास्ता ढूंढ रहे हैं। क्योंकि इस तरफ को ना बड़ी चट्टान है, वहाँ से रास्ता नहीं है, और जहाँ से हम आए वहाँ से झाड़ू नहीं मिल रहे, पल्याव कुछ नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे ये देखो गाल पे हाथ लगा लगा के सोच रहे हैं कि जाना कहाँ है। ये थक भी गए हैं और अफसोस हो रहा है कि जाना कहाँ है। तो क्योंकि जंगल ना चारों तरफ एक जैसा दिख रहा है, और इनको सारे लगते हैं अनट्रेन आए हुए हैं, पहले कम कम आ रखे हैं ये बुग्याल में इसलिए भाई। तो यहाँ पे कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, रिया तोड़ रही है फूलों को। तो आप लोगों को यहाँ पे तरह तरह के फूल, हाँ इस फूल का नाम क्या है कमेंट में बताना। तो जंगलों में आप लोगों को बहुत किस्म के फूल और पत्ते पेड़ पौधे खूब देखने को मिलेंगे यहाँ पे। तो अभी हम यहाँ पे रोटी खाने के लिए बैठ चुके हैं, क्योंकि नाश्ता करके हम लोग आए नहीं थे। भाभी ने संतरा माल्टा भी लेके आई है। उसके बाद यहाँ से नीचे की तरफ को हम लोगों ने पल्याव तोड़ना है, मतलब निगरिंगाल झाड़ू जो लेने के लिए हम आए हैं। तो मिल गए हैं हमें, बड़ी मुश्किल से हमें जंगल में यहाँ झाड़ू मिले हुए हैं। और तब हम रोटी खाते हैं, फिर उसके बाद करते हैं भाई अपना अपना काम शुरू। यहाँ सबसे पहले संतरा छिलोड़े सुबह सुबह 10 बजे ना, 10:30 बजे भाई। आलू गुटुक ले आई भाभी जी, ये है लिमुड़ी की सब्जी। इला लिमुड़ कहाँ बोले तुम, ये देखो भाई लिमुड़े सब्जी हम उलाई लिमुड़ी चाहिए बुग्याल है यूँ। तो भाई यहाँ पे रोटी खाने के बाद अब जाना है यहाँ से नीचे की तरफ को। ये देखो यहाँ से नीचे हम लोगों ने पहले उतरना है। तो ये देखो भाई इस तरह की झाड़ियों के बीच में जाना है। तो ये है रिंगाल, ये देखो यहाँ पूरे ये तोड़ रखे हैं इनके, ये देखो। तो यहाँ से नीचे की तरफ घुस रहे हैं हम, तो काफ़ी घनघोर जंगल है भैया। तो बैग ना अभी भी पीठ में लगा रखे हमने, क्योंकि बैग ऐसे ही रहेंगे हम झाड़ू को मतलब ये पल्याव को तोड़ते हुए नीचे जाएंगे। ये देखो कितना घनघोर हो रखा है यहाँ पे। तो ये इस तरह के होते हैं ना, ये इनको तोड़ना पड़ता है इस तरह से। तोड़ने के बाद इसकी पुली बांधी जाती थी, इस तरह की बांधी जाती है। तो ये यहाँ पूरा रिंगाल का जंगल है भैया, पूरा रिंगाल है। तो ये देखा बे इनके अभी तेनता बुंदी पले आ रहा हो तो के यहाँ सा हो कनकान बुझाई में भैर ये तो ना फटेगी।
और ये रही भाई मेरी भारी पल्याओं की, यानी कि झाड़ों की, रिंगाल की जो भी बोलते हैं। और ये रिंगाल, इसको भी ले जाना पड़ता है साथ में, तो इसको भी मैंने बांध दिया है यहाँ पे। तो अभी मैं यहाँ देवदार के पेड़ की छाया में बैठ गई हूँ। अब बाकी लोग नहीं यहाँ अभी मतलब झाड़ू तोड़ रहे हैं, उनका नहीं हुआ, तो मैं कम कम लेके जा रही हूँ, तो मेरा हो चुका है। और हाथ देखो भैया, जगह जगह पे हाथ भी कट गए, ये देखो खून भी निकल आया है। तो अभी यहाँ पे ठंडा इतना ज़्यादा हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। वैसे छाया में तो बैठे हुए हैं, लेकिन पूरे जंगल में लगभग छाया ही है। धूप कहीं कहीं पर दिखेगी आप लोगों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेड़ है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे छाया ज़्यादा दिखती है, धूप देखने को कम मिलता है। बहुत ज़्यादा ठंडा यहाँ पे हो रहा है अभी। इस तरह से भाई यहाँ पे रिंगाल की गड्डी बांधी जा रही है। तो ये कपड़ा ना घर से लेके आए थे, वैसे जिनको मतलब ये रिंगाल फाड़ना आता है ना, तो उसी से बांध लेते हैं, लेकिन हम में से किसी को नहीं आता ये, तो हम लोग उन्हें घर से ये कपड़ा लेके आए हैं हम इसको बांधने के लिए, और इससे बांधेंगे हम रिंगाल की गड्डी। तो अभी यहाँ पे सब लोग आ चुके हैं, और ये देखो सबकी भारी लग गई है, रिंगाल की गड्डी भी बांध दी सबने। तो अभी जा रहे हैं भाई घर को। अभी हमने रोटी नहीं खाई, तो नीचे कहीं पानी मिलेगा तो उसके बाद हम लोग रोटियाँ खाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पानी नहीं है इस जगह पे जहाँ पे हम हैं अभी। तो चलिए जी अब चलते हैं घर को। ये देखो इस तरह से रिंगाल की गड्डी भी साथ में लेके जानी है, और ये भारी भी, और ऊपर से मैंने बांध रखा है ये बैग जिसमें रोटियाँ हैं। भाई यहाँ पे आ चुके हम यहाँ राजू खर्ग में। तो हमें ना पूरे बुग्याल में भाई पानी नहीं मिला, तो हम यहाँ पे आके रोटी खा रहे हैं। तो यहाँ पे मतलब यहाँ से तो हमारे गांव का जो इलाका है वो शुरू भी हो जाता है। इस तरह से ले जाना है ये झाड़ू पड़ा हुआ, और रिंगाल हाथ में लेके जाना है, और ये झाड़ू का जो भरा है उसको लगा के पीठ में। तो ये बहुत दिक्कत करता है ले जाने के लिए, पर क्या करें, ले जाना तो पड़ेगा। अभी हम आ चुके हैं भाई गांव के नज़दीक। तो ये भाभी लोगों के बच्चे ना लेने के लिए आए हुए थे, इसलिए ये रिंगाल की गड्डी लेके जा रहे हैं। आइए भाभी जी, मंजू भाभी की मदद कर रही है, उनकी उनका भरा लेके जा रही है, और मेरा जो भरा था वो रिया लेके जा रही है। तो हम लोगों को थोड़ा राहत मिल गई। स्वेटर लगा रखा, वैसे हमने भारी नहीं लगा रखी, तो छोटे छोटे स्वेटर काट रखे थे, और अभी पैर बहुत ज़्यादा दर्द हो गए। तो रिया लेके आ रही है अभी मेरी भारी, क्योंकि रिया ने रखा कुमगरा। तो धन्यवाद रिया। तो यहाँ तक भाई रिया लेके आ गई एक दो बिछुने, फिर यहाँ से मैं लेके जाऊंगी, रिया लेके जाएगी मेरी रिंगाल की गड्डी। तो भाई अभी मैं घर आ चुकी हूँ, और यहाँ पे सब लोग बैठे थे मेरे आने तक। देखो मेरी माँ ताई जी, रीना दीदी, सुनीता दीदी, उस चापी उड़े आए जी, सामने देखे सुने जी आज। तो भाई मेरी गैर मौजूदगी में रीना दीदी ने आज सारा काम संभाला है। तो यहाँ पे रीना दीदी ने बोला कि बहुत सारे लोग कपड़े देने के लिए, लेने के लिए आए थे, तो रीना दीदी सुबह से यही थी। तो रीना दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद, रीना दीदी ने मदद की, तभी तो मैं आज बुग्याल गई नहीं रीना दीदी। और सुनीता दीदी कूटी भाई यहाँ पे चावल बना रही, मतलब धान कूटी भी सुन जिसको बोलते हैं। तो सुनीता दीदी आजकल रोज कूट रही है, कभी धान कभी झंगोरा, घर के चावल खा रही है आजकल सुनीता दीदी रोज। घर स्वादिष्ट गर्मियों में बड़े हूँ घर आ चाऊ भा। तो अभी हल्का हल्का अंधेरा भी होने लग गया है, और लाइट भी नहीं है, और मेरे पैरों में इतना ज़्यादा दर्द है कि बताऊँ भी कि कैसे बताऊँ। तो जैसा भी है, बहुत अच्छा रहा आज का बुग्याल का सफ़र भी। और आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं आज के इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करती हूँ, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते, और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।